हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक प्रोडक्ट का रिव्यू, और वो प्रोडक्ट है ये स्टे कोर्गी की लिक्विड लिपस्टिक। इसे मैंने अपने पर्पल हॉल में आपसे शेयर किया था, उस टाइम मैंने इसके दो शेड परचेस किए थे। फर्स्ट शेड है नंबर 4 नॉटी कन्वर्सेशन स्टार्टर, राइट नाउ मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर रखा है वो शेड। और सेकेंड शेड है मेरा नंबर 7 टू हॉट फॉर डेट नाइट। तो इस तरह से मेरे पास ये दो शेड है। तो चलिए फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला है, क्या है, क्या क्या इसमें मुझे अच्छा लगा, क्या क्या इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सारा कुछ आप इस वीडियो में देख लोगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में आपके इस लिपस्टिक के बारे में सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये लिपस्टिक आपको इस तरह से कलरफुल कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में मिलती है, और यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है आपको, यहाँ पर इसका शेड नंबर। और तो पीछे हम देखते हैं तो इसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी जो प्राइस है वो लिखी होती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 12/18 और 11/21 तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, यानी कि 3 साल तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ दी होती है। और इसकी जो प्राइस है 449 रुपीज़ है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गई थी। उस टाइम पर्पल पे सेल चल रहा था, तो 50% 40% ऑफ चल रहा था सारे लिपस्टिक पे। और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है 4.5 ml। तो 4.5 ml इसमें प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसके अंदर हम देखते हैं इसको ओपन करके जिस तरह से ये लिपस्टिक आपको मिलते हैं। तो मैंने ये दोनों शेड ओपन कर लिए हैं, और यहाँ से आप अपने शेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा शेड है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पिंक शेड है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रेड शेड है। तो पीछे इसके स्टिकर दिया होता है, तो इस पे भी सारा कुछ लिखा होता है। इस पे आपको शेड नंबर और शेड नेम भी लिख के मिल जाएगा, जैसे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा शेड लगा रहे हो। इस पे आपको एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिलेगी, ये इसका माइनस पॉइंट मुझे लगा। अगर आप इस कार्डबोर्ड बॉक्स को फेंक देते तो आपको उससे पता चलता कि ये कब एक्सपायर करने वाली है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका शेड किस तरह से है, और इसके हैंड स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इसमें छोटा सा वॉन्ट मिलता है, और आप देख सकते हो इसका वॉन्ट मुझे काफ़ी प्यारा लगा, क्योंकि इस तरह के वॉन्ट मुझे वैसे ही पसंद आते हैं। थोड़ा सा छोटा है तो इससे आप इजीली अपनी लिपस्टिक लगा सकते हो। मुझे तो लिक्विड लिपस्टिक लगाने की आदत हो गई है, तो मुझे बड़े वॉन्ट हो या छोटे वॉन्ट हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप बिगनर हो तो इस तरह के वॉन्ट आपके लिए सही है, और आप कॉर्नर वगैरह में भी इससे अच्छे से लिपस्टिक लगा सकते हो। तो इस तरह से ये वॉन्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगा ये है। और इसके हैंड स्वॉच मैं आपको दोनों की दिखा देती हूँ। इस तरह से ये फर्स्ट शेड है, ये है नंबर 4 नॉटी कन्वर्सेशन स्टार्टर, और ये शेड है नंबर 7 टू हॉट फॉर डेट नाइट। तो इसका भी स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से इसके स्वॉचेस है, हैंड स्वॉचेस। और ये वाला जो शेड है मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है। अपने शेड तो देख ही लिए, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो इसका जो फॉर्मूला है मुझे थोड़ा सा अदर लिपस्टिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा ड्राइंग लगा, तो इसीलिए मुझे इससे पहले लिप बाम अप्लाई करनी पड़ती है, और पहले लिप स्क्रब करना पड़ता है, उसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ, तो ही ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपके लिप्स को कोई लिपस्टिक ड्राई करती है तो उसकी जो स्टिंग पावर है वो कम हो जाती है, वो आपके लिप्स पे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाती है, जल्दी से वो फेड हो जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है, तो वो जल्दी से निकल जाती है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले लिप स्क्रब करती हूँ, उसके बाद लिप बाम लगाती हूँ, और उसके बाद ही इसे अप्लाई करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से लॉन्ग लास्ट कर जाती है ये लिपस्टिक। बाकी तो इसके शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, इसके जो स्टेइंग पावर है वो भी अच्छी है। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा लिप स्क्रब और लिप बाम यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब, और ये गुड वाइब्स का लेमन लिप बाम। तो मैं लिप स्क्रब भी लेमन वाला ही यूज़ करती हूँ, लिप बाम भी लेमन वाला ही यूज़ करती हूँ, तो ये मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया। अब आप जानना चाहोगे कि ये लिपस्टिक को मैं आपको रिकमेंड करूंगी या नहीं, तो आप इस लिपस्टिक को परचेस कर सकते हो। काफ़ी पिगमेंटेड लिपस्टिक है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बट थोड़ा सा ही इसमें प्रॉब्लम है कि ये थोड़ी सी मेरे लिप्स को ड्राई करती है, हो सकता है आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगी। बट मैंने आपको उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि आपको क्या क्या करना है उसके अंदर, तो आपके लिप्स पर ये लॉन्ग लास्ट कर जाएगी। तो इस तरह से ये लिपस्टिक है, और मुझे ये दोनों शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो चलिए फिर इसके लिप स्वॉचेस देख लेते हैं।